अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ अनीस आरिफ और आप देख रहे हैं द इंटरनल ट्रुथ। आज फिर से आपके लिए एक और काबिले मज़म्मत वीडियो लेकर आए हैं। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो में हम आपको मरी में रिकॉर्ड की गई एक पाकिस्तानी लड़की की ऐसी वीडियो दिखाएंगे कि आप भी हैरान और परेशान रह जाएंगे। नाज़रीन, आज की औरत अपना वक़ार और वो नहायत बुलंद मर्तबा जो इसे इस्लाम ने दिया और इसको घरों की शहजादी बनाकर माँ बेटी और बीवी बहन सभी दर्जों में बेपनाह हकूक़ दिए और इज़्ज़त का वो मुकाम दिया जो इस्लाम से कबल कभी भी औरतों के ज़हन व तसव्वुर में भी ना था, मगर आज वही औरत दोबारा से ज़माने जाहिलियत में जाने को बेताब है और जिस आज़ादी की वो मुतलाशी है वो दरअसल इसको आज़ाद नहीं बल्कि फिर से लोगों की हवस की ग़ुलाम बना कर रख देगी। अब देखिए इस लड़की को, जो मरी में यकीनन गई तो सैर व तफरी की गर्ज़ से होगी, मगर अपने यार की फरमाइश पर क्या कुछ कर रही है और वो भी सरेआम रोड पर। फिर जब इन्हीं मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वालियों के साथ कुछ गलत हो जाता है, जिसकी पहले यहूद ही लोगों को तरगीब भी देते हैं, तो बाद में मर्दों को बुरा भला कहना शुरू हो जाती हैं और पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनती हैं। हालांकि इस सब में बराबर की जिम्मेदार तो यहूद भी हैं, इनकी वजह से वो चंद मासूम बच्चियाँ भी बदनाम हो रही हैं जो इज़्ज़तदार घरानों से ताल्लुक़ रखती हैं और रिज़्क हलाल की तलाश में घर से निकलती हैं। आइए हमारा साथ दीजिए ताकि हम सब मिलकर इन बेहयाल लोगों का खुलकर बायकॉट करें। तो आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा और अगर आज की हमारी वीडियो ने आपको महसूस किया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मेज़बान मोहम्मद अनीस आरिफ को दें इजाज़त। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।